ये है भारत के लिए एक खास लम्हा, ये लम्हा है आत्मनिर्भर भारत का। भारत की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। यहाँ पर जो आप रेल पटरियों से लदी हुई मालगाड़ी देख रहे हैं, वह खास तरह की रेल पटरियों को लेकर रवाना हुई है। भिलाई में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियरिंग और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने। भिलाई स्टील प्लांट भारत और उस समय के सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया स्टील प्लांट है। इस स्टील प्लांट से सबसे पहला उत्पादन 1960 में शुरू हुआ था। सबसे पहले बनाया गया ये स्टील प्लांट भारत की ताकत बना हुआ है। मालगाड़ी पर लदी हुई रेल पटरियों को R260 रेल कहा जाता है। यह रेल पटरियां 260 मीटर लंबी होती हैं और खास तरीके के केमिकल कंपोजिशन से बनती हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत का पहला ऐसा स्टील प्लांट बन चुका है जहां पर यूरोपियन ग्रेड ट्रैक का उत्पादन शुरू हो चुका है। R260 रेल पटरियां आम रेल पटरियों के मुकाबले दुगने समय तक चलती रहती हैं, यानी इनकी लाइफ ज़्यादा है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगती है। इस मालगाड़ी पर 260 मीटर लंबी 300 पटरियां लादी गई हैं। अब सवाल उठता है कि लंबी पटरियों का क्या फ़ायदा, तो आपको हम बता दें 260 मीटर लंबी पटरियों का फायदा यह है कि इन पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। अगर 60 मीटर लंबी रेल पटरियां बिछाई जाएं तो उनको आपस में वेल्ड करना पड़ता है, यानी ज़्यादा वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 260 मीटर लंबी पटरियों में कम वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी पर किलोमीटर आपको कम वेल्डिंग करनी पड़ती है, लिहाजा ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा रह सकती है। इसी वजह से इन रेल पटरियों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ सकती है। भारत में रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए ये कदम जरूरी है। अब तक इस तरीके की पटरियां बाहर से आयात की जाती रही हैं, लेकिन अब भारत में ही इनका उत्पादन शुरू हो चुका है, लिहाजा बाहरी देशों से इन पटरियों को मंगाना नहीं पड़ेगा। इससे जहां एक तरफ भारतीय रेलवे को अपनी रफ्तार बढ़ाने में लागत खर्च कम रखना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस तरह की रेल पटरियों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। लिहाजा आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का यह शानदार उदाहरण है। इन रेल पटरियों का फायदा ये होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जहाँ पर लंबी पटरियों का कंजम्पशन है, वहाँ पर पटरियाँ बाहर से मंगाई जाती हैं, लेकिन अब भारत में ही बनाई जा रही इन पटरियों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।